हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली बाइट। आज हम शुरू करेंगे BLI 221 लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यूनिट वन। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, हम यूनिट वाइज सारे उसके लेक्चर्स लेंगे और अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। सो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखे होंगे, इसको अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब लाइब्रेरीज़, जैसा कि अपना पहला टॉपिक है लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड थ्रू आउट हिस्ट्री। लाइब्रेरी इट इज़ कलेक्शन ऑफ रिटन डाटा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जनरल न्यूज़पेपर, बुक्स, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा, क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर। People of different aspects, students, teachers, scientists, business executives and government officials use library resources for their work. Libraries क्या होती हैं? Libraries जो होती हैं वो एक collected data written form में, printed form में, manuscripts, journals, newspaper, books, statistics, ये जितने भी historically collected data होती हैं उनको रखा जाता है वहाँ पर, ताकि हर व्यक्ति जो अलग अलग प्रोफेशन का, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, वो उसको अपने हिसाब से अपने इंफॉर्मेशन को वहाँ से सीख कर सके, देख सके और अपने काम में उसको अपने यूज़ में ला कर के अपने नॉलेज को बढ़ा सके, फिर या फिर अपने जो उसके काम है, जो उसका प्रोफेशन है, उसमें उसका इस्तेमाल कर सके। तो लाइब्रेरीज़ का मतलब यही होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिटन डेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट, जनरल्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, स्टैटिस्टिक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये लाइब्रेरीज़ के बारे में हमने समझा। अभी अगला है हमारा कि रोल ऑफ लाइब्रेरीज़ इन सोसाइटी, यानी कि लाइब्रेरीज़ जो हैं हमारे सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती हैं। तो लाइब्रेरीज़ जो होती हैं, जैसा कि हमने पिछले पढ़ा कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा इन रिटन या प्रिंटेड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, और विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता तो कलेक्शन बढ़ता गया, डेटा बढ़ते गए, इंफॉर्मेशंस बढ़ती गई, उसके साथ एक्सप्लोजन बढ़ता गया नॉलेज का। तो इसके साथ क्या हुआ, लोगों को उस डेटाज और नॉलेज की ज़रूरत पड़ने लगी, और जब उस डेटाज और नॉलेज को लोग उसको सीख करने लगे, वहाँ से जा कर के लाइब्रेरीज से इंफॉर्मेशन गैदर करने लगे अपने पर्पज़ के लिए, अपने पर्पज़ फुलफिलमेंट के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में एक लिटरेसी का प्रचलन चालू हुआ, लोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगे, समझने लगे, और इससे लोगों के अंदर लर्निंग के प्रति एक एक लगाव, एक वो तैयार हुआ कि लोग रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग इन सब के प्रति जागरूक होने लगे। तो ये लोग जब जागरूक होने लगे इन चीज़ों के लिए, लर्निंग्स के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए, तो ये लाइब्रेरीज़ की जो इंफॉर्मेशन है, इनकी खास बात क्या है, इट इज़ यूज़फुल फॉर एवरी एज ग्रुप। मतलब इसमें आपको छोटा या कम उम्र, बूढ़ा या फिर फिज़िकल हैंडीकैप, मतलब इन सब चीज़ों से वो परे, लाइब्रेरीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुँचती हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, वो सब तक इंफॉर्मेशन बराबर तरीके से वहाँ से सीख कर सकता है। इससे क्या होता है, सोसाइटल डेवलपमेंट शुरू हो गया, लोग एजुकेटेड होने लगे, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचने लगी, तो ये सोसाइटी अपने आप डेवलप करने लगी, और इस तरह लाइब्रेरीज़ लोगों के अंदर एक लर्निंग एस्पेक्ट शुरू हो गया, लोग समझदार होने लगे, लोगों को नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब लोगों तक पहुँचने लगा। तो इस तरह ये लाइब्रेरी एक बहुत ही, मतलब इंफॉर्मेशन और लर्निंग के तौर पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट रोल प्ले करने लगी। और सोसाइटी फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगी, तो सोसाइटी जब डेवलप हुई तो कई सारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ चेंजेस भी आएंगे, लोग टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी, इंफॉर्मेशन बढ़ी, हर चीज़ बढ़ी, तो चेंजेस आने के साथ साथ लाइब्रेरीज़ में भी कई बदलाव आए समय के साथ। जैसे कि पहले लाइब्रेरीज़ जो होती थी वो एक कन्फाइंड एरिया में, एक पर्टिकुलर प्लेसेस पर होती थी, फिर लाइब्रेरीज़ की बाउंड्रीज़ बढ़ी, डिजिटल लाइब्रेरी आई, डिजिटल लाइब्रेरी के बाद फिर अब आजकल तो हर चीज़ नेट पे, इंटरनेट पे, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ अवेलेबल एट वन क्लिक।
तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि चेंजेस जो पैराडिग्म शिफ्ट जो हुआ लाइब्रेरीज का फ्रॉम वन फेज टू अनदर विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द टेक्नोलॉजी वो क्या था। जैसे पहले लाइब्रेरियंस को हम लोग कहते थे कस्टोडियन ऑफ बुक्स, वो चेंज होकर के हम अब लाइब्रेरियंस का काम होता सर उनको हम सर्विस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे भी जानते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ बुक्स से रोल उनका चेंज होकर के सर्विस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे हो गया, यानी कि अब वो मात्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स के कस्टोडियन के तौर पे लाइब्रेरी में बैठे हैं। अब क्या है कि अब आपको क्या चाहिए, किस चीज़ किस सर्विस की ज़रूरत है वो आपको जा कर के बताएंगे, वो सर्विस डायरेक्टली कहाँ अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, लाइब्रेरियन आपको इन्फॉर्मेशन देगा। लाइब्रेरीज़ वन मीडियम से मल्टीपल मीडियम हो गई, पहले एक ही माध्यम में या हिंदी या इंग्लिश की लाइब्रेरीज़ होते, अब क्या अब हर लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज की लाइब्रेरीज़ आने लगी हैं और हर जगह मतलब हर जिस भाषा में चाहिए उस भाषा की लाइब्रेरी से उस बुक्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ओन कलेक्शन लाइब्रेरी विदाउट वॉल, अब पहले ये था कि लाइब्रेरीज़ मतलब कन्फाइंड एरिया में हैं, अपने कलेक्शन हैं उनको दे पा रही हैं, मगर अब ऐसा नहीं है। लाइब्रेरीज़ विदाउट वॉल अब क्या हो गया, लाइब्रेरीज़ लोन बोरो भी करती हैं एक दूसरे लाइब्रेरीज से। वो आगे आप पढ़ेंगे जब हम आगे और चलेंगे तो पता चलेगा हम लोग कि लाइब्रेरीज़ कैसे कंसोर्टियम बनाती हैं और फिर वहाँ से डेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखती हैं, और जो लाइब्रेरीज़ उनका अपना खुद का एक मैनेजमेंट वो होता है, जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ से ले लेता है, लोनिंग भी लेती है, बुक्स की भी लोनिंग करते हैं लाइब्रेरीज एक दूसरी लाइब्रेरीज से। तो मतलब बाउंड्रीज और वॉल इन सब चीज़ों से बहुत मतलब आगे निकल चुके हैं। फिर लाइब्रेरीज पहले थी इन गुड टाइम, मतलब समय सीमा के अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहती थी, फिर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब लोग बहुत ही एडवांस हो गए हैं, लोगों को तुरंत हर चीज़ चाहिए, तो इट इज़ जस्ट इन टाइम, मतलब अब तुरंत चाहिए हर चीज़ इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट तुरंत आपको प्रोवाइड करानी है। इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग इनसोर्सिंग में पहले क्या होता था कि आप जो लाइब्रेरीज़ के अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं उन्हीं को आप प्रोवाइड करा पाते थे, जो आपके पास अगर डेटा नहीं है, इंफॉर्मेशन बुक्स या फिर कलेक्शन नहीं है, तो फिर वो आप यूज़र को दे नहीं पाते थे। अब क्या है कि अब आउटसोर्सिंग में क्या है कि अगर आपके पास डेटा नहीं भी है तो आप एक रेफरल और रेफरेंस सिस्टम आगे पढ़ेंगे, उसके तहत आप वो डेटा जहाँ मिल सकता है आप वो सजेस्ट कर सकते हैं यूज़र को वहाँ जाने के लिए, फिर या वहाँ यूज़ करने के लिए, या फिर आप खुद अगर प्रोवाइड करा सकते हैं मेल ईमेल के थ्रू कुछ बाद में, तो मतलब वो सब भी काम अब लाइब्रेरीज़ करती हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर का कई सारे सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर का भी काम करने लगी हैं लाइब्रेरीज़। लोकल रीच से पहले लाइब्रेरीज़ क्या होती थी कि जो लोकल लोग हैं, जो लाइब्रेरीज जहाँ होती थी उसके आसपास के लोग ही वहाँ तक पहुँच सकते थे, और एक लिमिटेड लोग और लिमिटेड एरिया होता था लोगों को पहुँचने का, वहाँ लोग अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके सीख करते थे। अब क्या ग्लोबल रीच है, डिजिटल लाइब्रेरी का ज़माना है, लोगों के पास अब अलग अलग तरीके के, अब तो लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी है, पासवर्ड है, वो है सब, कहीं भी बैठ के कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और उस लाइब्रेरी को वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी बाउंड्री कि आपको घर में है, शहर में है, शहर में नहीं है, इन सबसे बहुत आगे। फिर पहले क्या था, वी गो टू लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी के पास जाना होता था, मगर अब टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंटरनेट आया, IT ICTs चेंज हुए, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ, अब लाइब्रेरीज कैन कम टू यू, मतलब लाइब्रेरीज अब आपके पास आ सकती हैं, आपको लाइब्रेरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने एडवांसमेंट हो गई है, चाहे वो नेट के थ्रू हो या फिर डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी वेयर क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन को हम क्रिएट करें, फिर उसको इंटीग्रेट, उसको मैनिपुलेट, मतलब उसको फिर एसिमिलेट करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और वो चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, मतलब हर एस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, उसको मैनिपुलेट करके लोगों तक पहुंचाना, ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी का काम है। ये इसके जो मेन ड्राइवर्स या मेन प्रोमोटर्स होते हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू होता है। जैसे जैसे कि हमारा डिजिटलाइजेशन और
ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी हैं, उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी हमारी और डेवलप हुई है और ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं, और उसकी थ्रू क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हुआ है। समय के साथ रिसर्चेस बढ़े, चीज़ें बढ़ी, इंफॉर्मेशन आए, उसके साथ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आया, जिसकी वजह से उनको सबको एक ऑर्डर में करना, उनका कैटेगराइजेशन करना और उनको एक सोशली रिप्रेजेंट करना, इसको हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कहेंगे। इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक तरह से इट इज़ द सक्सेसर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि जैसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी 1857 के बाद से, उसके बाद 1947 तक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया चला, डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल हुआ। जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा है, उसके थ्रू उसके समकालीन, मतलब ये आपका इंफॉर्मेशन सोसाइटी शुरू होता है, जहाँ से आपका टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो गया, कंप्यूटर आए, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ, आपके इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए, तो इन चीज़ों के साथ जब डेवलपमेंट हुआ तो इसी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहेंगे हम। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑलमोस्ट समझिए 1973 के बाद के एरा को ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है। अब आगे इसके हम देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अराइवल को इफ़ेक्ट किए और जिनके वजह से इंफॉर्मेशन सोसाइटी की ज़रूरत पड़ी। पहला था डेटा एक्सप्लोजन, जैसा कि बताया कि मतलब रिसर्च बढ़ते गए, चीज़ों की डेवलपमेंट होती गई, और उसके बाद डेटा, इससे क्या हुआ, पूरा डेटा एक्सप्लोजन हुआ, मार्केट में इंफॉर्मेशंस आई, उनको सबको अरेंज करना पड़ा, इसके वजह से खूब सारे इंफॉर्मेशंस फ्लो आउट हुए रिसर्च के थ्रू, तो उसके वजह से भी ये भी एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट द ग्रोइंग इंफॉर्मेशन कॉन्सियसनेस एंड इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। ग्रोइंग इंफॉर्मेशन कॉन्सियसनेस का मतलब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ने लगी इंफॉर्मेशंस को लेकर के, और इंफॉर्मेशन डिपेंडेंसी बढ़ने लगी किसी भी काम को करने, प्रोफेशनलिज्म जैसे जैसे बढ़ा तो इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ी, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि वो आप अपने किसी भी काम को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं तो पहले आप एक डेटा कलेक्ट करें, फिर उस पर काम करें, मतलब रिसर्च और डेटा की ज़रूरतें अपने आप बढ़ने लगी। फिर तीसरा एस्पेक्ट है कि एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि जो हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट से, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट से कंप्यूटराइजेशन में जो डेवलपमेंट आए उनके वजह से भी कई सारे इफ़ेक्ट्स पड़े, जिसके वजह से इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अराइवल हुआ। साइंस बेस्ड कंप्यूटराइजेशन वेयर कंप्यूटर इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन नेशनल स्केल प्रोजेक्ट्स। अब साइंस बेस्ड कंप्यूटराइजेशन मतलब साइंस बेस्ड कंप्यूटराइजेशन मतलब कोई प्रोजेक्ट पे, नेशनल प्रोजेक्ट्स पे जो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता था, जिसके वजह से जैसे जैसे मतलब कंप्यूटर स्टार्टिंग में आया तो सिर्फ नेशनल प्रोजेक्ट्स और ये सब होते, तो वहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, तो जिनकी वजह से भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी आया। फिर मैनेजमेंट बेस्ड कंप्यूटराइजेशन हुआ कि मैनेजमेंट फेस पर कंप्यूटराइजेशन, यानी कि कंप्यूटर के इस्तेमाल सिर्फ उन जगहों पे जहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होने लगा। फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी की ये भी एक कारण है अराइवल के। सोसाइटी जैसे जैसे मतलब कंप्यूटराइजेशन बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजीज बढ़ी, आईसीटीज आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता गया, ये सारे एस्पेक्ट इसके लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अराइवल के लिए। आपका फिर अगला है सोसाइटी बेस्ड कंप्यूटराइजेशन वेयर कंप्यूटर यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। और फिर क्या हुआ कि आपको उसी कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल सोसाइटी पर्पज से भी होने लगा, जैसे कि आप आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हर जगह होता है सोसाइटल पर्पज से, जैसे मान लीजिए कोई भी काम हो आपका, मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनवाना है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है, तो ये सब सोसाइटल बेनिफिट्स की वजह से मतलब सोसाइटी के अपब्रिंगिंग के, सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए, मतलब
होने लगे सामाजिक कारणों की वजह से, जब कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगे धीरे धीरे, तो इनके भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी अराइवल में इनके भी बहुत रोल हैं। फिर इंडिविजुअल बेस्ड कंप्यूटराइजेशन, ये इंडिविजुअल बेस्ड कंप्यूटराइजेशन मतलब हर इंसान के पास अपना खुद का कंप्यूटर हो ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ये मोस्ट एडवांस स्टेज होता है। मतलब इस समय जो हम चल रहे हैं वो मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी है कि हर व्यक्ति के पास अपना कंप्यूटर है अपनी प्रॉब्लम्स अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, ये इंडिविजुअल बेस्ड कंप्यूटराइजेशन में आएगा। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं, डेटा एक्सप्लोजन, ग्रोइंग इंफॉर्मेशन, एक्सीलरेशन, जो अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे इम्पैक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी की एक अराइवल, एक ज़रूरत हुई। तो आज के लिए इतना बहुत है, हमने फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग द अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी पढ़ा। अब आगे इसके बाद हमारा लेक्चर नॉलेज सोसाइटी पे होगा, और उसके बाद अगला लेक्चर, उसके आगे फिर हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज बढ़ेंगे। बाकी आप दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं 651 रुपीज़ में, इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे किसी भी जानकारी के लिए आप DBBLIS651 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और धन्यवाद, स्टे ट्यून विथ दिल्ली बाइट्स।